क्लास हेरूडीनिया इसका फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज के मॉड्यूल में ज़्यादातर लीचीज़ हैं इस क्लास में और अभी आपको बताया कि ये लीचिस जो है ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं पैरासाइट्स हैं तो इनका जो मेन फूड है वो है बॉडी फ्लूड्स और बॉडी फ्लूड्स के लिए ये डिपेंड करेंगी दूसरे इनवर्टिब्रेड्स और वर्टिब्रेट्स पे कुछ जो हैं ये फूड लेती हैं वर्टिब्रेट्स uh, के ब्लड से और उसमें ह्यूमन बींग्स का ब्लड जो है वो भी इंक्लूडेड है लीचिस को इसलिए हम पैरासाइट्स की कैटेगरी में भी ले आते हैं हाउ एवर लीचिस और होस्ट की रिलेशनशिप का लेवल जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट है अब लीचिस जो है प्रीडेटरी भी हो सकती हैं लीचिस जो हैं दे आर नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक नहीं है कि इस लीच ने इसी होश से अपना फूड लेना है बल्कि ये किसी भी वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को एज आ फूड जो है यूज़ कर सकती हैं कि उनके अंदर से ब्लड और बॉडी फ्लुइड्स को अपनी डाइट के तौर पर इस्तेमाल कर लें लीचिस जो है हाउ एवर स्पेसिफिक भी हो सकती हैं इसमें लीच जो है दैट प्रेज ऑन टर्टल दैट कैन आल्सो यूज एज प्रे एलिगेटर कि कुछ लीचिस अगर टर्टल को, को अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल करेंगी तो वो एलिगेटर के बॉडी फ्लूड के ऊपर भी रिलाय कर सकती हैं कुछ लीचिस फिशेस के ऊपर रिलाए कर लेंगी कुछ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स की डिफरेंट क्लासेस को एज आ होस्ट जो है वो यूज़ कर सकती हैं अब लीच का माउथ है माउथ जो है दिस नॉर्मली ओपन्स इन द मिडल ऑफ द एंटीरियर सकर और फिर कुछ लीचिस में एंटीरियर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है दैट इज़ मॉडिफाइड इन टू प्रोड्यूसबल प्रोबोसिस और प्रोबोसिस जो हैं दे आर प्रजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड बाय आ क्यूटिकल क्यूटिकल क्यों मौजूद होगा क्योंकि लीच ने किसी भी एनिमल की स्किन से ब्लड लेना है स्किन को क्यूटिकल की हेल्प से वो स्लाइड सा सी एन या रपच्चरिंग कॉज करेगी कुछ में माउथ जो है दैट इज़ आल्सो बाउंडेड विद टू टू थ्री जॉज और ये जॉज जो हैं ये भी स्किन की इन सी एन के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे फिर फीडिंग के दौरान लीच जो है दिस अटैच टू एट स्प्रे बाई एंटीरियर स्टकर एंटीरियर शक्र के साथ अटैच करेगी और जो पोस्टीरियर शक्र है उसके साथ वो उसको फ्री करेगी फिर अपने प्रोग को जॉज को होस्ट के टिश्यूज़ के अंदर इंसर्ट करेंगे स्लाइवरी ग्लैंड जो है मीन टाइम दे विल सिक्रीट सम एंटी कोगुलेंट फ्लूड्स और जो एंटी कोगुलेंट फ्लूड है उसको हम कहेंगे हाइरोडिन अब ये एंटी को फ्लूड जो है उस ब्लड को जो कि लीच ने फूड के तौर पे लिया उसको कोएगुलेशन से प्रिवेंट रखेगा बिहाइंड द माउथ मस्कुलर फेरिंग्स मौजूद है फेरिंग्स जो है देड पम्प्स बॉडी फ्लूड ऑफ द्रे इंटू द लीच ईसो फेगस जो है इसके बाद फेरेंगस फेरेंगस के बाद लार्ज स्टमक स्टमक के साथ जो हैं वह हैं लार्ज सिकम और उसकी सिकम के साथ उसकी फर्दर जब ब्रांचिज होंगी उसको हम सिकाय कहेंगे ज़्यादातर लीचिस जो हैं दे टेक लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फ्लूड और ब्लड और उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सिकम में लेते जाएंगी और उस जब ज़्यादा फ्लूड लेंगी इसके सीकम जब बॉडी फ्लूड या ब्लड से भर जाएंगे तो लीज का बॉडी साइड्स जो है वो टू से टेन टाइम्स तक इंक्रीज कर जाएगा और एनगोर्जमेंट के बाद ये जो है दिस कैन वंस दिस सीकम आर फील्ड बॉडी इज़ फ्लूड फिल्ड तो दे कैन इवन स्पेंड मैनी टाइम्स टॉलरेट कर सकती हैं पीरियड्स ऑफ फास्टिंग को और कई मंथ तक जो है ये बग़ैर खाए पिए फिर ज़िंदा रह सकती हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है दिस विल एंड इन टू द इंटस्टाइन एंड द टर्मिनल एंड इज़ कॉल्ड द एनस यहाँ पे डायग्राम देखें लीच की अभी मैंने इसमें आपको पता ये इंटीरियर सकर है इंटीरियर सकर अटैच करेगा अपने आप को यहाँ पे फिर इसमें माउथ माउथ के साथ जहाज़ प्रेजेंट होंगे अब ये जहाज जो हैं स्किन के अंदर इन सी कॉस करेंगे या टाइम्स जो है इसके साथ दूसरे स्ट्रक्चर भी मौजूद हो सकते हैं यहाँ से ब्लड एंटर होगा माउथ से फेरेक्स में फेरेक्स से इसोफेगस में इसोफेगस से क्रॉप में क्रॉप के साथ क्रॉप डाइवर्टिकलम फिर इंटस्टाइन इंटस्टाइनल सीके और दिस इज़ द होल डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज़ वेल डेवलप्ड इन द लीज because leech is a parasite and she has to take or rely on the different hosts hosts whether they are vertebrate or invertebrates and man is also the host of the leech